जेवर देने की रस्म तभी पूरी मानी जाती है जब सारी बहुओं ने अपने अपने दिए हुए गहने पहन लिए। हमने तो बड़ी बहू के लिए कंगन रखे थे, लेकिन शिव ने तुम्हारे लिए कमरबंद ले लिया। यहाँ से जाने का कोई और रास्ता नहीं है। ये जंगल में से है, लेकिन ये जंगल बहुत घना है, इसलिए जाना ठीक नहीं होगा। बचाइए! अब नीचे कैसे उतरेंगे? मौसम को क्या हो गया? मुझे लगता है बारिश होने वाला है। चलिए। अरे क्या हुआ गंगा? गंगा? अरे हम कह रहे हैं जल्दी चलिए, मौसम खराब है। आपके पाँव में चोट लगा है क्या? क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है शिव? हम कह रहे हैं मैं नीचे उतार दो ना, हम खुद चलेंगे। आपको तो गोद में उठाने का शौक नहीं है, लेकिन आप चल नहीं पा रहे। और मौसम देखिए कितना खराब है, बारिश भी तेज हो गया है, इतना घना जंगल है, अगर कोनो जंगली जानवर आ गया ना मुसीबत हो जाएगा। उस तरफ क्यों जा रहे हो? हमें लगता है रात को हमें इस झोपड़े में ही रुकना पड़ेगा। रात भर यहीं रुकेंगे? देखिए और कोनो रास्ता नहीं है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें उतारो यहीं पर। अरे चित मत कीजिए, घर नहीं जा सकते हम। यहाँ नहीं रुकेंगे, किसी भी कीमत में नहीं रुकेंगे, बस उतारो हमें। ठीक है, जाइएगा। अकेले कैसे जाए? कोई शेर मिल गया तो? हर वक्त बहादुरी दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। एक कदम चला नहीं जा रहा, जाना आपको घर। पर बैठ जाइए, देखते हैं घर में कोनो है का। तो कोनो है का? खाली है। क्या ढूंढ रहे हो? जीव इंसान है, इतनी बात पूछ ले बता नहीं सकते। इसके अंदर तेल है। फिर दरवाजा कैसे बंद हो गया ये? अब ये खुलेगा कैसे? वो क्या पता कैसे खुलेगा? अरे कौन आया बाहर? कंबल है? ले लीजिए, कपड़ा गीला है आपका, बदल लीजिए। हमें नहीं चाहिए। देखिए, आपका कपड़ा पूरी तरह से भीग चुका है, बदल लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम बीमार पड़े जिए मरे उससे तुम्हें क्या? हमें नहीं चाहिए, हमने कह दिया ना। लीजिए, ये कंबल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ओढ़ लीजिएगा। लीजिए। काहे जिद कर रहे हैं? गीला कपड़ा निकाल लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। देखिए, आपको बीमार पड़ने का शौक होगा, लेकिन आप मर नहीं सकती, समझ रहे हैं ना? हमने कहा ना, हमें नहीं चाहिए। अरे हमारे लिए नहीं, राधिका के लिए, जिसके लिए आप घर में रुकने के लिए तैयार हो गई हैं। आप को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, वादा किया ना आप उनसे। हमने कह दिया ना, हम ठीक है, हमें नहीं चाहिए। अरे काहे बार-बार इतना जिद करती हैं आप? एक बार में समझ नहीं आता था आपको? बीमार पड़ जाएंगी, मर सकती हैं आप। उतारिए अपना गीला कपड़ा, ये लीजिए कंबल, चलिए जल्दी कीजिए, जाइए वहां पर। अरे थोड़ा आग के पास बैठिए, शरीर को सेक मिलेगा। अरे क्या हुआ? देखिए आपके पाँव में मोच आया है, हमें जांच करने दीजिए। नहीं, ठीक हो जाएगा, हम ठीक हैं। अरे कभी तो हमारा बात मान लिया कीजिए, देखने दीजिए, हम नस बिठा देते हैं। हमने कहा ना सुबह तक ठीक हो जाएगा। अरे काहे इतना जिद कर रहे हैं आप, दीजिए पाँव। रुकिए रुकिए, अरे आराम से, पाँव ढीला छोड़िए अपना। दरवाजा कैसे खुल गया? ये तार से। कल रात तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? आया था ना, लेकिन उतना रात में अंधेरे में ये तार कहाँ से मिलता। जब मिला तो खोल लिया, और वैसे भी इतना कोशिश किया तब जाके खुला ये दरवाजा। आइए चलते हैं, गाड़ी भी ठीक कराना है। और अरे आइए, खड़े कहाँ हैं, जल्दी आइए। दरवाजा तो खुल गया तुमसे, अब जीप स्टार्ट होगी। कोशिश कर रहे हैं गंगा। अरे वाह, जीप तो शुरू हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, गाड़ी शुरू हो गया। चलिए अब सीधा घर चलते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हें रास्ते में कुछ काम है। अरे वो काम बाद में देख लेंगे। पूरा रात हम घर से बाहर रहे हैं। घर में सब परेशान हो रहे होंगे, अब सीधा घर ही चलते हैं। कुछ पता चला भाई साहब के बारे में? दादी, पापा और गंगा माँ कहाँ हैं? रात को भी घर नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, तुम जो अपना कमरा, जैसे वो आएंगे ना हम उनको तुम्हारे पास ही भेज देंगे। लेकिन दादी। रिया, इनको ले जाओ। चलो। आज वैसे माँ जी, शिव भाई साहब और गंगा भाभी घर वापिस ही ना आए तो अच्छा रहेगा ना। तुम अपना जबान थोड़ा देर बंद रखोगी ना तो ही अच्छा होगा। पकड़ 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 करती रहती है। शिव मिला कहीं? नहीं अम्मा जी, लेकिन हमारे लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढ रहे हैं तो अभी तक मिले क्यों नहीं? अरे शिव बेटा, कहाँ थे तुम रात भर? हम तो चिंता के मारे सो ही नहीं पाए। प्रताप कई बार तुमको फोन लगाया लेकिन तुम फोन भी नहीं उठाए। नहीं माँ, हमको कोई फोन नहीं आया। वैसे भी मौसम खराब था तो हो सकता है कि अरे नहीं, प्रताप फोन किया था तुमको। पता नहीं तुम काहे नहीं उठाए। अगर तुम फोन उठा लेते तो ये मदद के लिए आ जाता ना तुमरे। माँ हम बोल रहे हैं नेटवर्क नहीं था, फोन उठा के कैसे बात कर लेते बताइए। नेटवर्क नहीं था? लेकिन अगर नेटवर्क नहीं होता तो घंटी कैसे बजता? तुम अपना फोन देख लो, प्रताप का फोन जरूर आया होगा ऊपर, देख लो एक बार। आप रहने दीजिए ना माँ, शायद भाई साहब का फोन साइलेंट पे होगा इसलिए घंटी नहीं बजी होगी। अरे हम कह रहे हैं नेटवर्क नहीं था, क्या एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं। हम तो खुद ही मुनीम जी को फोन करने का कोशिश कर रहे थे। सुनसान इलाका था, कोनो मदद करने वाला नहीं था, क्या करते हैं? माँ जी इतना जोर देकर कह रही हैं कि फोन किया था, रिंग भी जा रही थी तो जरूर किया होगा। पर शिव क्यों कह रहे हैं कि कोई कॉल ही नहीं आया? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं शिव ने जानबूझकर अपना फोन साइलेंट पर। हम अंदर जा रहे हैं। और हाँ ये लीजिए प्रताप, जीप का चाबी है, मैकेनिक को दिखा दीजिएगा। बार बार बंद हो रहा है। जी भाई साहब, हम अभी चले जाते हैं। जी माँ, हम अभी आते हैं। हम नहा कर आते हैं। हाँ बेटा, थक गए होंगे, नहा लो। हाँ, पूरा पूरा दिन रेडियो और टीवी पर बता रहा था कि शाम होने तक आंधी और तूफान के साथ बरसात होगा। पता नहीं सिर्फ कैसे ध्यान नहीं दिया। जाओ तुम भी जाके नहा धो के कपड़ा बदल लो। क्यों गंगा भाभी, तो कैसी गुजरी कल आपकी रात? आप और फिर भाई साहब अकेले अकेले। अरे बाप रे, आप हमको ऐसे क्या घूर रहे हैं? हम क्या कुछ छोटे बच्चे हैं जो हमको कुछ समझ ना आता हो? या आप नहीं देख पा रहे भाई साहब के इरादे और उनकी नीयत में कितनी खोट है, हैं? या फिर आप समझ समझ कर चीजों को नहीं समझना चाहते तो और बात है। कहना है तुम्हें पता है ना? बिल्कुल है? आओ। मुझे तो लगता है मालिक, किसी ने जानबूझकर आपकी जीप के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि आपकी गाड़ी फर्स्ट क्लास काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे खराबी तभी तो बुलाया तुम्हें, अच्छे से चेक करो जाकर। अच्छी तरह चेक करने के बाद ही बोल रहा हूँ मालिक, कोई खराबी नहीं है जीप में। किया था तुमको, पता नहीं तुम काहे नहीं उठाए। आप नहीं देख पा रही भाई साहब के इरादे और उनकी नीयत में कितनी खोट है।